मॉर्निंग एवरीवन। देखिए पिछले क्लास में हम लोग कैश बुक के डबल कॉलम पर हम लोग फोकस किए थे, जिसमें मोस्टली हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री जो होता है उसको बताते हुए सारे चीजों को लेके चले थे, ठीक है ना। आज की क्लास में कॉन्ट्रा एंट्री को छोड़ के कुछ और इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन होते हैं उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो आइए सारी चीजों को केयरफुल होके देखिए, ठीक है ना। डबल कॉलम, डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है ना। डबल कॉलम कैश बुक, इसमें कुछ हम ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। 2021 जून 1, ठीक है। बैलेंस इन हैंड, बैलेंस इन हैंड, इसमें यहां पर आप देखिएगा कि बैंक का बैलेंस है आपका 50,000 रुपीज का, ठीक है, और कैश का भी बैलेंस है आपका 50,000 रुपीज का, ठीक है। बैंक में 50,000 रुपया और कैश में 50,000 रुपया, क्लियर है। अब यहां पे जून 3 को है कि परचेजेस, परचेजेस गुड्स एंड पेमेंट, पेमेंट मेड बाई चेक ₹10,000 यानी परचेस किया गया और पेमेंट चेक से किया गया। जून 7 को है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पेमेंट रिसिप्ट, पेमेंट रिसिप्ट बाई चेक, बाई चेक ₹5,000। जून 1 को है कि पेड, देखिएगा एक चीज ध्यान दीजिएगा, पेड रेंट, केवल पेड रेंट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि चेक से पेमेंट हुआ कैसे पेमेंट हुआ। अगर नॉर्मल ऐसा इंफॉर्मेशन रहता है इसको हम लोग कैश में लिखेंगे। पेड रेंट, अगर हम लोग ₹3,000 का रेंट पेमेंट करते हैं। अच्छा, छोटा सा इंफॉर्मेशन इसी पर हम लोग डबल कॉलम कैश बुक को बनाएंगे, ठीक है ना। यहां पर लिख देते हैं कैश बुक डबल कॉलम, कौन सा कॉलम भी डबल कॉलम। आपको पिछले क्लास में बताया था इसमें 2 कॉलम रहेंगे, ठीक है ना। पहला यहां पर एक डेट डाल देते हैं, डेट के बाद है ये आपका पर्टिकुलर्स, क्या होगा पर्टिकुलर्स, इसको हम लोग इनफ्लो के नाम से भी जानते हैं, क्या इनफ्लो। यहाँ पे हो जाएगा आपका वाउचर नंबर, ये हो जाएगा एल्फ लेजर फोलियो नंबर, ये हो जाएगा आपका कैश का कॉलम, यहाँ हो जाएगा आपका बैंक का कॉलम, ये आपका हो जाएगा डेबिट साइड, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका डेट, ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, यहाँ पे हो जाएगा वाउचर नंबर एल्फ लेजर फोलियो, और यहाँ पे कैश का कॉलम, और यहाँ पे बैंक का फोन, ठीक है ना, क्लियर है। देखिए हम यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देते हैं, ऊपर में सबसे पहले कैश रख देते हैं और यहाँ पे बैंक क्वेश्चंस में, यहाँ ध्यान रखिए, ठीक है ना, ऊपर वाला कैश नीचे वाला बैंक। अब देखिएगा कि कैश और बैंक दोनों हमारा क्या है, हमारा एसेट्स है, तो एसेट्स इंक्रीज करता है तो डेबिट और डिक्रीज करता है तो क्रेडिट। तो एसेट्स ऑलवेज तो क्या होता है डेबिट बैलेंस, ये दोनों क्या होगा 2021 में जून 1 को टू बैलेंस बीडी, 50,000 रुपया चला जाएगा कैश वाले कॉलम में और 50,000 रुपया चला जाएगा बैंक वाले कॉलम में। क्यों? क्योंकि एसेट्स में से कौन सा बैलेंस हो करता है डेबिट, इसलिए ये आ गया डेबिट है। देखिए परचेजेस गुड्स एंड पेमेंट मेड बाय चेक, अगर परचेस करेंगे, हम एक चीज और बताते हैं कि एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट, तो अगर बढ़ेगा पैसा आएगा तो डेबिट में,
घटेगा तो क्रेडिट में, तो परचेज गुड्स एंड पेमेंट मेड बाय चेक है पर 2021 आपका जून 3rd है तो बाय परचेजेस क्या करेंगे, बाय परचेजेस। पेमेंट कैसे हो रहा है भाई, चेक से हो रहा है तो मेरा बैंक से पैसा घट रहा है तो यहाँ पर बैंक वाले कॉलम में हम क्या डाल देंगे, 10,000 रुपया हम बैंक वाले कॉलम में डाल देंगे, यानी जहां से घटेगा उस कॉलम में डाल देना होगा। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश पेमेंट रिसीव बाय चेक, हमने इस पर बेचा है सामान, सामान बेचेंगे तो पैसा क्या होगा, आएगा, तो किस फॉर्म में आ रहा है, चेक से आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू सेल्स। अब पैसा चेक से आ रहा है तो मेरा बैंक में अकाउंट बढ़ रहा है, और जब एसेट्स बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है, तो हम इसको बैंक वाले कॉलम में दिखा दें कितना है सोल्ड वाला, 5,000 रुपए का है तो बैंक वाले कॉलम में 5,000 रुपीज हमने पुट कर दिया। क्लियर है, ठीक है। पेमेंट यहाँ पर रेंट का पे किया जा रहा है 3,000 रुपए का, लेकिन इंफॉर्मेशन ये नहीं है कि चेक से पेमेंट है कि कैश से पेमेंट है, तो अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो हम कैश मांग के चलते हैं, तो जून 8 को पेमेंट हो रहा है बाय रेंट कर दिए। अब यहाँ पर मेरा एसेट्स क्या घट रहा है, तो क्या घट रहा है, कैश क्या घट रहा है, तो कैश वाले कॉलम में हम क्या डाल देंगे, 3,000 रुपया कैश वाले कॉलम में डाल देंगे। अब इसको बैलेंस कर लेना होता है, बैलेंस नॉर्मल बैलेंस होगा, यहाँ पर 50,000 रुपीज हमारा कैश का दिख रहा है और यहाँ पे 3,000 रुपीज। अब यहाँ पर जून कितने दिनों का होता है, 30 दिनों का होता है, तो बाय बैलेंस सीडी कर देंगे, 50,000 में से 3,000 रुपए घटेगा तो कितना होगा आपका 47,000 रुपया। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको 50,000 बराबर कर देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगी, 50,000 और 5,000 55,000 रुपया, 55,000 रुपया में से कितना 10,000 घटेगा तो हो जाएगा कितना, 45,000 रुपए का बैलेंस इधर आ जाएगा 45,000। अब यहाँ पे 55,000 रुपया हो गया। अब इस बैलेंस को नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर करेंगे तो कब होगा, जून के बाद जुलाई, जुलाई 1st टू बैलेंस बीडी, 47,000 रुपीज आपको कैश का दिख रहा है और 45,000 रुपीज आपका बैंक का दिख रहा है। देखिए सारा इंफॉर्मेशन यहीं पे मिल गया कि मेरा कैश कितना बैलेंस है और मेरा बैंक का टोटल, यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि एसेट जो एसेट्स बढ़ेगा, अगर कैश का बढ़ेगा तो कैश को कैश वाला हम डेबिट कर देंगे, अगर पैसा बैंक से आएगा तो बैंक वाला को हम लोग क्या करेंगे, बैंक वाले को इंक्रीज करके डेबिट कर देंगे। वैसे ही अगर कैश से घटेगा तो कैश वाले कॉलम में डालेंगे और बैंक से घटेगा तो बैंक वाले कॉलम में डालेंगे, बस ध्यान रखने की जरूरत है। और पिछले क्लास में कॉन्ट्रा वाला हम करा दिए थे, कॉन्ट्रा वाला पिछला क्लास आप लोग देख लीजिएगा, और इस क्लास के लिए नॉर्मली ये ट्रांजेक्शन है। देखिए बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो कितने भी टाइप के ट्रांजेक्शन होंगे आप सारी चीजों को सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। कोई परेशानी होती है तो कॉमेंट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।